रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास स्थित एक अस्पताल को दोबारा खोलने का फैसला किया है और ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है। इसमें 500 बेड की व्यवस्था है और यह सभी ICU बेड हैं, जिसमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ एक कैंटीन भी खोली जा रही है जिसमें मरीजों के लिए खाना तैयार होगा। वहीं DRDO के चेयरमैन ने कहा है कि रविवार को हम इस अस्पताल को डॉक्टरों के हवाले कर देंगे और इसके बाद यहां मरीजों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी।